So, hey guys, say ETD, entertainment till death. और आप सभी लोग का स्वागत है रश टीवी के एक नए वीडियो में। रिसेंटली मैंने एक ट्रिप मारा है हिमाचल प्रदेश का। वहां पे मैंने मनाली एक्सप्लोर करा है, मैंने माल रोड एक्सप्लोर करा है, मैंने कसोल, कुल्लू एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिसु। एंड दिस ट्रिप वॉज स्पॉन्सर्ड बाय एनीवेयर ट्रैवलर। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे भी आपको कहीं पे मेंशन करा हुआ नजर आ जाएगा। एनीवेयर ट्रैवलर बहुत जगह के ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। मनाली हो गया, कसोल हो गया, चार धाम यात्रा हो गई एंड आपका चोपटा हो गया, सिसु हो गया, ऐसी बहुत सारी जगह के ट्रिप ये ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड माय एक्सपीरियंस वाज सो गुड विद देम, मैंने बहुत एंजॉय करा। एंड ये सारी वीडियो आपको मेरी जर्नी स्टार्ट होने से लेके एंड तक आपको मैं दिखाऊंगा। पार्ट वन पार्ट टू में आएंगी वीडियोस एंड आप इन वीडियो को जरूर प्यार देना। एंड एक बार आप एनीवेयर ट्रैवलर को भी जरूर चेकआउट कर लो। एंड अगर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स किसी के साथ भी ट्रिप पे जाना चाहते हो तो आप इनको जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं ऑफिस पे पहुंच चुका हूँ जहाँ से हम सारे लोग निकलेंगे टूर के लिए। एंड जिन्होंने ये ट्रिप मुझे स्पॉन्सर करी है वो है एनीवेयर ट्रैवलर। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये गधा भी आ रहा है मार्स। ट्रिप हो चुकी है स्टार्ट गाइस और मैंने आज डे 6 की वीडियो भी अपलोड कर दी है। यहाँ पे बैठे बैठे देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। उस मेहनत के लिए लाइक जरूर करना उस वीडियो को, जबकि जानता भी नहीं है तब भी देखो 8,000 रुपए मिल गए। ये भी आएगा। पहले स्टॉप पे रुक चुके हैं हम, जिस जहाँ पे हम बैठ के खाना खाएंगे। यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ आपको शिव ढाबा। हम लोग रुके हैं शिव ढाबा पे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहला ब्रेक ले लिया है, अब यहाँ पे बैठ के खाना वाना खाएंगे फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी 11 बज रहे हैं, 11:30 बजे हम यहाँ से निकल देंगे मनाली के लिए। रात के 1:30 बज गए एंड पानीपत के टोल से हम आगे पहुँच चुके हैं। नींद आ रही है तेज। तो एक और जगह ब्रेक ले लिया है यहाँ पे। कितने बज रहे सुबह के? सुबह के 4 बज रहे हैं। मन खुश हो जाता है यहाँ पे आके मेरा दिल। और ठंडा पानी आ रहा है इस नलके से। जगह पे हम रुके हैं चाय वाय पीने के लिए सारे जने, तो यहाँ पे फ्रेश वेश हो रहे हैं। और भाई एक नलके से पानी इतना चिल्ड आ रहा है, मेरा आंख अभी तक सुन पड़ा हुआ है। माल रोड के लिए यहाँ से 2 घंटे का रास्ता बचा है। 2 घंटे में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। अभी हम अपने सही डेस्टिनेशन पे पहुंचे भी नहीं है, उससे पहले हम घूमने निकल गए। हमें एक लेक दिखी है तो हम वहां पे जा रहे हैं सारे के सारे, सारे नहीं 3-4 लोग। ट्रैकिंग वो देखो गाइस, रिवर वहां पे जा रहे हैं। अभी अपनी डेस्टिनेशन पे बिना पहुंचे पहले ही वहां से निकल लिए। इससे नीचे नहीं जा सकते, अगर एक बार चले गए तो ऊपर नहीं आ सकते फिर, तो इसलिए इससे नीचे जा ही नहीं रहे। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है।
ड्राइवर भैया का कॉल आ गया, वापस जाना है पड़ेगा जल्दी जल्दी। जो हमारी दूसरी ट्रैवलर थी तो वो भी आ चुकी है, तो भैया ने इसी का ही टाइम दिया था कि जब तक वो नहीं आ जाती तब तक आप घूम सकते हो जाके नीचे। अब वो आ चुके हैं तो निकलते हैं। यार नीचे उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So guys, hotel mein check-in kar liya hai hum logon ne. Room allot hua hai 312, 312. Aur इसमें आपको रेस्टोरेंट, स्पा, डीजे रूम, पूल टेबल, जिमनासियम हर चीज़ मिल जाएगी इसमें। तो अभी अपना सामान ढोके जा रहे हैं, अभी अपने रूम में अपना सामान लेके जा रहे हैं। फ़ोन चार्ज पे लगाया था, 70% चार्ज हो चुका है। अब रूम के लिए निकलते हैं। थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम, व्यू मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कैसे रहेगा। मेरा भाई भी रुका हुआ है उसी में, 312 में मिला हुआ है। 311 है तो ऐसा कुछ। ये हमारा रूम है 312। ये इस तरह की कुछ वॉशरूम रहने वाली है, ठीक है। ये टीवी दे रखा है, एंड ये बेडरूम, टॉवल वगैरह, लाइटिंग ऐसी है। अब बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ, रूम से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कैसा दिखता है। बहुत बढ़िया लग रहा है, पर्दे खोलते ही और इसको स्लाइड करते ही कुछ इस तरह का बाहर का नज़ारा रहने वाला है हमारे रूम से। ये सामने माउंटेन, ये देख रहे हो आप, वहाँ पे बर्फ बर्फ जम रही है। यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में आके ना फिर से एनर्जी सी वापस आ जाती है, बॉडी को अच्छा फील होने लग जाता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा फ्रेश होना है, उसके बाद हमें माल रोड और उसके हिडम्बा टेम्पल है उसकी साइट सीइंग के लिए निकलना है यहाँ से। तो अभी हमारे पास 1-2 घंटे हैं फ्रेश व्रेश होने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। अभी फ्रेश होने मेरा भाई गया, उसके बाद मैं जाऊँगा, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नहीं गया, रेडी हो जा, सीइंग पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से निकलेंगे माल रोड के लिए, उसी रोड पे हिडम्बा टेम्पल पड़ता है, तो उसका भी वो भी चेकआउट करना है क्या सीन है उसका। तो चलो चलते हैं भाई। इस वाले होटल में यार सही है, जिम विम लगा रखा है, पूल वूल है खेलने के लिए, और एक और चीज़ है पूल टेबल, स्पा भी है। सीआर पार्क में मिल जाएगा थोड़ा बहुत, और आप जो मतलब हर स्टेट का जो हाउस होता है ना, जैसे आसाम भवन। तो ये गाइस हिडम्बा टेम्पल हम रात में विजिट कर रहे थे, अब ज़्यादा कुछ था नहीं, दर्शन वर्शन कर लिए, अब निकल रहे हैं यहाँ से। मैं स्लीपर पहन के ही आ गया यार, अब मेरी कान फट, हवा जा रही है नहीं, थोड़ी बहुत लग रही है, ज़्यादा नहीं लग रही। ठंड तो है रात के टाइम में, ठंड तो है। यो सो ट्रैवलर ने हमें छोड़ दिया है रोड पे, माल रोड की। अब 1 घंटा हमें दे रखा है उसने कि 1 घंटा घूमो फिरो, और एक लोकेशन पे हमें बुलाया है कि इस लोकेशन पे सारे मिल जाने हैं 1 घंटे बाद, एंड देन हमारा घर पे, मतलब जहाँ हमारा होटल है वहाँ पे हमारा डिनर है। तो 8:30 बजे हमें डिनर करने के लिए जाना पड़ेगा। माल रोड भाई, यहाँ के स्पेस रेस से बताओ भाई, ये कौन सी रोड है? ये मॉल रोड है। अच्छा, यहाँ की थोड़ी स्पेशल चीजें बताओ हमें, हम नए हैं यहाँ पे। यहाँ माल मिलता है ना, रोड नहीं होता, पहले जमाने में माल रोड कहा था, माल रोड जब ब्रिटिश के जमाने में माल रोड कहा जाता था। यहाँ पे सारे आइटम भी करते हैं, सारे आइटम बोले तो सारा आइटम, मतलब जो चीज कहीं नहीं मिलती वो यहाँ मिलती थी। अच्छा,
यो भाई इतना बड़ा मोमो ऐसे काट काट के आपको सर्व किया जाएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, तो देखते हैं कि कैसा टेस्ट रहेगा इसका। कैसी लगी भाई? बढ़िया बढ़िया। ये भाई होममेड पेंटिंग्स हैं, खुद से बनाई गई हैं। आप ऐसे करके मतलब इन्होंने खुद से बनाई हुई है पेंटिंग। इस तरह की चीज़ें आप वुडन की चीज़ें यहाँ से बाय कर सकते हो गिफ्ट एज अ गिफ्ट। नहीं, बहन जी ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे। अरे आपके ब्लॉग। अरे कोई बात नहीं, इतना तो एक मेरा फैन वो जा रहा है, देखो ये देखो ये लोकल फैन है, ये लोकल फैन है, ये मुझसे मिलने के लिए सुबह से यहाँ पे खड़ा है। योर जेन्युइन फैन। आई एम सो हैप्पी। तो आपसे मिलता हूँ मैं पार्ट टू में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।